गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से अपने टेक्निकल चैनल पे। और दोस्तों, मैं हर दिन आप लोगों का कुछ ना कुछ नया अपडेट लाता रहता हूँ। आज 23 तारीख, 5वां महीना सन 2020, और आज मैं सोचना आप लोगों को पहुँचा रहा हूँ। आज से 5 दिन पहले हमारे गांव में एक शेर आ गया था, जिसकी अभी दहशत गई नहीं है लोगों में। और आज जो है 23 तारीख, 5वां महीना सन 2020, आज सुबह एक किसान अपने खेत गया, जहाँ पे धान की बेड़ बहे हुए है। वहाँ पे उस गया तो बेड़ देखने के लिए गया, वहाँ पे वो शेर के पंजे के निशान पाए गए हैं, जिसमें ताजे हैं आज की डेट के। इसकी वजह से और भी दहशत मच गई है। आज एक हफ्ते से कोई ना कोई उसका शिकार बन रहा है। और आप लोग जितने भी मौला बाकीपुर के आसपास के गांव हैं, और जहां तक ये मेरा वीडियो जाए, वहां तक हर लोग जो है ये सूचना पहुंचाते रहें कि मौला बाकीपुर में 23 तारीख, 5वां महीना सन 2020, आज के सुबह मॉर्निंग में के सुबह के ही पंजे के निशान हैं, जो एरिया मौला के आसपास के एरिया में है, जिसमें दहशत का माहौल एक हफ्ते से बना है। वो कुत्ता का और गाय के बच्चे को इस तरीके से छोटे छोटे जानवरों को वो अपना शिकार बना रहा है। एक हफ्ते पहले पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम पकड़ने की कोशिश भी की थी, पर वो किसी वजह से नाकाम रही। उसके पुलिस और वन विभाग के चंगुल समझो निकल गया पकड़ने के लिए। जाल भी बिछा दिया था, पता नहीं किस वजह से रात हो गई थी और वो भागने में सफल रहा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो पहुंचाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर कोई भी समस्या पे अपने एरिया में आती है, उसके मैं वीडियो आप लोगों को डालता रहता हूं। और मेरा चैनल गिरजा शंकर टैक, जिसमें कंप्यूटराइज थोड़ा बहुत बताता हूँ, और बैंक जो प्राइवेट सेक्टर चल रहे हैं, प्राइवेट जैसे ऐप द्वारा अपना APS चला रहे हैं, उनके विषय में भी बताता रहता हूँ। और कुछ खेती संबंधित भी देता रहता हूँ, कैसे क्या दिखाव देखनी है या कैसे अपने राशन कार्ड देखने, इस तरीके से वीडियो मैं दिन पे दिन लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इस लॉकडाउन का आप लोग नियम पालन जो है ज़रूर करें, कि अपनी सेफ्टी, अपने परिवार सेफ्टी। और कुछ भाई बहन मेरे बाहर से आ रहे हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं, उसी की वजह से हमारे उन्नाव ज़िले में भी अब कम से कम 8-10 तक तो पेशेंट हो गए हैं, और दिन पे दिन ये बढ़ते ही जाएंगे। अगर जो ये सबसे जिम्मेदारी हमारे प्रधान की रहती है, और एरिया में जितने भी मंत्री टाइप के लोग हैं और जो शिक्षा मित्र हैं, इन लोगों की ड्यूटी है कि जो भी बाहर से आए उनको क्वारंटीन किया जाए 14 दिन के लिए, परिवार में कोई सदस्य उनके बिल्कुल करीब ना जाए, थोड़ा उसको दूरी बनाए रखें। इस तरीके से कुछ नियम हैं, उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं और अपने परिवार के बीच में घुस रहे हैं, दोस्तों के बीच में घुस रहे हैं, उनको छू रहे हैं। इस तरीके से ये बीमारी हम दिन पे दिन अपने पास ला रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम 10 जगह चेक कराए, 15 जगह चेकअप कराए, आप चेकअप कितनी भी जगह करवाए हैं, उसका जो है बीमारी ये ऐसी है कि एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये अटैक करती है, उससे पहले नहीं अटैक करती है। जब तक वो अटैक करेगी, तब तक आप कम से कम 100 लोगों की टीम बना दोगे। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें, ठीक तरीके से रहें, अपने परिवार को सेव करें, आप खुद सेव रहें, और आप सेव रहेंगे तो आपका परिवार सेव रहेगा और आपके दोस्त भी सेव रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब तक आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे ये वीडियो बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।